चौपाटी ना भाई पूरा सुनता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का लाइक हमें वही 200-300 के समथिंग रहे, वही फिनिश जस्ट हुआ है, कटलेट पूरा बचा है, एक ट्रे अभी, एक ट्रे से ज्यादा ही बचा है, और चीला जस्ट चीला का भी ही वो नहीं होगा भाई। वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। दोस्तों जय श्री राम। और फिलहाल में आज है 18 तारीख और मैं निकल रहा हूँ अभी दुकान का सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि रात को लेट हो गया था, मैं सामान नहीं ला पाया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी सामान वगैरह लेने के लिए। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगती। तो दोस्तों आज की वीडियो का लाइक हमें वही 200-300 के समथिंग रहेगा। ओ भाई चलिए निकलते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं जाऊंगा बाजार, बाजार के बाद किराना दुकान से सामान वगैरह ले लेंगे। तो गाइस फिलहाल मैं फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले टमाटर 5 किलो, नहीं पहले प्याज 2-3 किलो निकलवा लेते हैं, ये टमाटर वगैरह फटाफट छाट लेता हूँ सामान, तो चल जाऊँगा किराना दुकान से सामान लेने के लिए। लेकिन किराना दुकान जो है ना भाई, मतलब वो भी 8 बजे पहले खुलता नहीं है, आराम से ही जाऊँगा, जल्दी जा करूँगा, आराम से ही जो दुकान लगाना है वो अपने। बड़ा बड़ा प्याज ले रहा हूँ ताकि छाटने में और छीलने में और खाने में दिक्कत ना हो। लो भाई सामान वगैरह पूरा निकल गया मेरा, टमाटर धनिया सब्जी, धनिया तो इनके पास था ही नहीं, कहीं और से लाया जाके यार। चलिए निकलते हैं भाई अब यहाँ से आराम से, मैं धीरे धीरे सामान इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि किराना दुकान से सामान लेना है और वो 8 बजे पहले खुलेगा नहीं, इसलिए आराम से ले रहा हूँ। चाय भी पी लूँगा फिर निकलूँगा घर आराम से। और फिलहाल मैं चाय आ चुका है, मैं आ गया हूँ चाचा की दुकान में चाय पीने के लिए। चाय से पहले पानी पी लेता हूँ भाई। डॉक्टर को दिखाने के बाद बोले कि जूस पिलाओ भाई। मसाला कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी दही लेने, उसके बाद थोड़ी देर में ना कटेट वगैरह तैयारी करने से पहले जाऊँगा गैस लेने के लिए। गैस खत्म हो गया है, गैस का रेट कम से कम 1200 रुपये का समथिंग चल रहा है अभी। आराम से दुकान की तैयारी करूँगा, आराम से दुकान खोलूँगा भाई, जल्दी जाकर क्या ही करूँगा। 3 बजे यहाँ से निकलूँगा, 3:30 बजे पहुँचूँगा, 4 बजे तक आराम से दुकान लगाऊंगा कटलेट बनाने के लिए। और उसके बाद कटलेट बनाने के बाद सामान वगैरह पीस लूँगा, फिर जाके मैं गैस वगैरह ले आऊँगा 1 बजे से पहले, क्योंकि 1 बजे ना गैस एजेंसी बंद हो जाता है, फिर सीधा 3-4 बजे खुलता है, 3 बजे खुलता है खाना पीना के बाद, तो उससे पहले ही ले आऊँगा क्योंकि 3 बजे तक तो भाई मैं यहाँ से निकल भी जा रहूँगा। कुछ पैसे रख ले रहा हूँ भाई क्योंकि जा रहा हूँ अभी गैस लेने, गैस लेने। गैस वही लगभग 1200 रुपये के आसपास का आएगा और 1000 रुपये मैंने रखे हैं अलग से के, तो ऐसे में 2-3 दिन का पैसा ना भाई एक ही बार चला जाता है। फिर शाम को ना मेरे को ना आलू भी उठाना है, आज जो दुकान खुलेगा वो पैसा भी चला जाएगा। कोई नहीं, चलिए देखते हैं मम्मी सब्जी क्या चीज़ का बना रही है। सब्जी मैं लाया हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ यार, सब्जी शायद माँ बरबट्टी कहीं तो बना रही होगी ना भाई। हाँ बरबट्टी ही बन रहा है सब्जी, कहीं पूजा में ना जाने वाली थी, मान लीजिए गई अभी तक। हाँ भाई कथा हो रहा था, मम्मी बोली वहाँ जाना है, जा भाई आराम से दुकान अपन आज आराम से ही लगाएंगे, चलिए चलते अपन गैस वगैरह जाके लिए आते।
बस वहीं तक तो अपने को ले जाना ही था। कार्ड रख लेता हूँ, कार्ड भूल गया था। तो फिलहाल मैं मेरा टंकी निकालनी है। गाइस भैया ने ना मेरा 1200 रुपये लूट लिया है, तो उसके बाद फिर बोलते हैं टंकी दूंगा। दे दो भैया यार, लेके चलते हैं फिर अपन यहाँ से। हाँ दीजिए, किनारे हो गया, चला जाए आप। तो गया टाइमिंग और चटनी वगैरह कम्प्लीट ही, प्याज अभी काटा नहीं हूँ मैं, और खाना खा लेता हूँ उसके बाद मैं आराम से प्याज काट लूँगा। हमें निकल चुका है मेरा, चलो आराम से बैठ के खाना खाते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने दुकान लगा लिया और टाइमिंग ना अभी 4 बज रहे हैं करेक्ट, जस्ट टकले डाला हूँ मैंने अभी, तो बाकी ना भाई पूरा सुनता हूँ। जस्ट अभी सोच डाला है, इस लाइन में एक मिश्रा जी का दुकान लगा है, एक लिट्टी वाले भाई साहब गोविंद भैया का, और एक ज्योति वाले भैया का, और आशीष जस्ट भी आया है चाय वाले भाई साहब। अरे मेरे दुकान के आज फर्स्ट कस्टमर, हाय कर दीजिए, हाय कीजिए, हाय। और जस्ट भाई एकदम गर्मा गर्म मुंगोड़ी निकाला है मैंने। हाँ ब्रो बोल दो कि नहीं है। और मार्केट का तो कुछ पता ही नहीं भाई, बहुत बुरा हाल है मार्केट में। घोड़ी जस्ट डाला हूँ मैं, 6:30 के आसपास हो रहा है टाइमिंग। लकी जस्ट अभी आया ही है, पूरा चौपाटी में सुनसान है भाई। मार्केट नहीं रहता ना भाई, जैसे मार्केट मेरा रहता है सामान खरीद के, तो कोई कस्टमर आके बोलता भैया पता है ये वो सामान बचा है क्या, वही खाने आया था आपके पास नहीं। और आज की डेट में कस्टमर आएगा भी ना तो ऐसे देख के चला जाएगा ना, मार्केट नहीं, जिस दिन मार्केट नहीं रहता उस दिन वो कस्टमर आएगा भी तो पूछेगा नहीं, ऐसा वाला हाल होता है मेरा नहीं, मतलब चौपाटी में सभी जगह वही हाल होता है, पूरा चौपाटी में सन्नाटा है। और ज़्यादा नहीं 300-400 रुपये बेचा हूँ मैं अभी तक, और वही हाल है जस्ट बगल में, मतलब पूरा पूरा चौपाटी में जो है ना इसी तरीके का हाल, भीड़ नहीं लगा। 6 बजे के बाद का था, हम लोग सोचे मतलब कि रोजा उजा थोड़ा थोड़ा जाता है पापा, आज वो भी नहीं गया, देखते हैं अब भीड़ लगेगा सामान निकलेगा इसी उम्मीद में है हम लोग, टिके हुए हैं। और नहीं भी रहेगा तो क्या करेंगे, आए तो सामान तो बेच के मिल जाएंगे भाई। कैसे दीपक भैया, जितना पसीना आ रहा है उतने ग्राहक नहीं आ रहे हैं आज, बस कैसे। अरे मेरा भट्टा ना भाई लग रहा है धोखा दे देगा यार, ये आज बहुत ज़्यादा दे रहा है भाई, हल्का करने के बाद भी बहुत देर के बाद। तो चीला बना रहा हूँ और भट्टा मेरा भी जस्ट तुरंत चालू हुआ है, जब से आया था तो चीला का भट्टा चालू नहीं हुआ था, और मुंगोड़ी फिनिश जस्ट हुआ है, कटलेट पूरा बचा है एक ट्रे, अभी एक ट्रे से ज़्यादा ही बचा है, और चीला जस्ट चीला का भी ही बोनी होगा भाई। 10 पीस भी चीला निकल जाता है ना तो 300 रुपये ना एक्स्ट्रा हो जाता है, गर्मियों के दिन में ऐसी भी मार्केट कम ही रहता है तो भी थोड़ा मोड़ा मेंटेन हो जाता है। भट्टा चालू किया ही था और भाई 5 चीला निकला है, एक चीला इधर, 2 चीला इधर, और ये हो जाए 4 चीला और एक 5 चीला, ठीक है 5 चीला हो जाएगा। और थोड़ा देखते हैं मार्केट और कैसा रहता है, और 2 चीला का ज़्यादा नहीं भाई, 50 रुपये ही काटता हूँ मैं। भैया 150, आज मार्केटिंग नहीं है यार, कुछ भी नहीं बचाऊँ भाई। दीपक भैया का भी वही हाल, दीपक भैया की दुकान में तो आज भीड़ ही नहीं लग रहा है। एक पीस ना डबल डबल नहीं, थोड़े मोड़े भीड़ लगे भाई कटलेट के, काफ़ी बेहतर है। और वैसे पुराना एक ट्रे मेरे पास कटलेट अभी बचा हुआ है, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, और 8:20 के आसपास हो गया है टाइमिंग, और टाइमिंग ना भाई 10:10 हो रहा है।
काफी अच्छा रहा मार्केट। पता है एक्चुअली में क्या हुआ, मतलब ना 8:30 तक ना पूरा का पूरा ना मेरा ना एक ट्रे मतलब 100 पीस के आसपास पूरा कटलेट मेरा बचा हुआ था, ठीक है, जिसमें नीचे में ना मेरा पूरा भरा हुआ था। समझ ही नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं 1000 रुपये बेचा था, सीधा भी नहीं बिका था भाई मेरा। उसके बाद अचानक से ऐसी भीड़ लगा ना अभी, मैं पूरा का पूरा ना एक ट्रे ना मेरा कटलेट बिक गया, बड़े बड़े चिल्ले भी बिक गए। मुंगड़ी तो काफ़ी देर पहले फिनिश हो गया था और अभी लगभग टाइमिंग वही 10:20 के आसपास, और मतलब 10:20 निकाल रहा हूँ घर की तरफ। और मेरा ही क्या पूरा चौपाटी सुनसान था, लेकिन आधे घंटे के अंदर भाई चौपाटी में ना अधिकांश लोगों का ना सामान फिनिश हो गया था। कैसे दीपक भैया? और पता है दीपक भैया का भी ना मुँह उतरा हुआ था कि आज तो हो गया कल्याण, लेकिन 8 बजे के बाद गजब इस टाइप से भीड़ कभी उम्मीद नहीं था अपने को। आज उल्टा हुआ है, 8 बजे के बाद तो लगा कि हो गया आज काम। एक ना चीज वाला सैंडविच खाने के लिए ना भाई यहाँ ना 4-5-6 लोग हैं, और पूरा का पूरा भाई चीज जला हुआ ना। चलो एक साइड हो यार, यहाँ एकदम धक्का मुक्की मीठा डाल, ए मार इसमें सोच डाल एकदम धक्का मुक्की ब्रो, धक्का मुक्की एकदम। अरे लूट लूट के खा रहे हैं ले बेचारा, इसको कुछ इसको इसको कुछ मिल भी नहीं किया। सबसे पहले दीपक भैया ने पहला आराम से, यार दीपक भैया कैसे कर रहे हो? आशीष तेरे को नहीं मिला यार? कुछ नहीं मिला, अब नहीं खाएगा, गजब बेइज्जती, अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं पूरा खाऊंगा। चलेगा भाई, बना रहा है। और भाई एक बड़ा आलू ले आया हूँ, 700 रुपये का आलू मिला मेरे को, आज का पैसा इसी में चला गया। और 2 दिन का जो मेरा पैसा बचा था, शनिवार और सोमवार 2 दिन का पैसा, उसका ना गैस आ गया। तो दोस्तों क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको आपके छोटे भाई की वीडियो कैसी लगी। अपन लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर।